देश कोरोना वैश्विक महामारी से पूरी तरह से ग्रसित है, देश नहीं पूरी दुनिया। और इस कोरोना वायरस से जो इतना संक्रमित बीमारी है कि एक दूसरे से ये बीमारी फैलता है, और इस बीमारी से, इस कोरोना महामारी से कितने इसके चपेट में आकर के अपने जान गंवा चुके हैं और कितने संक्रमित हो चुके हैं। तो आज लॉकडाउन का 18वां दिन है और मैं इस वक्त समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में हूँ, जहाँ पे ग्रामीण इलाके में भी सबसे व्यस्त जगह जो ये केराई पंचायत है, और केराई पंचायत में ये लगभग 6 पंचायत से जोड़ने वाला ये चौराहा है, चौक है। तो आप देख रहे हैं ये ग्राहक सेवा केंद्र है, और लोग किस तरीके से दूरी बना के खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा गया था कि 1 मीटर की दूरी पे खड़ा रहना है, लोग 1 मीटर तो छोड़िए, यहाँ 2-2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक लोग खड़े हैं, किस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात भी करने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन का और ये आप पैसा निकालने के लिए आए हैं, दूरी बना के खड़े हैं? ठीक है। अच्छा अच्छा, तो आपके अकाउंट पे पहले से पैसा था या? पहले से भी पैसा था और आया भी है। आया भी है, पैसा निकालने के लिए आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जोड़ी का जो व्यक्ति है वही केवल पैसा निकालने के लिए आया है। सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करने का। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों से अपील किए थे कि आप दूरी बना के रहें, और मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रमणि। चंद्रमणि सिंह, तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे जो जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में लोग खड़े हैं दूर दूर हटके, इसके बारे में क्या कहें? जी ये ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोरोना हमारा सारा देश पूरा संसार इससे संक्रमित हो रहा है, इसमें मात्र एक उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग हम बना के रखें। तो मुझे मालूम चला, हमारे कुछ युवक जो हम लोग थे, मालूम चला कि जो लोग जो CSP में पैसा निकालने के लिए एकत्रित हुए हैं वो बहुत ही एकदम एक जगह जमा हो गए हैं। तो हम लोग आ करके और इन लोगों से अपील किए, और उन लोगों को फिर मतलब उन लोगों को बताया कि भाई आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए आपको डिस्टेंस बना के रखना होगा। सभी लोगों को लाइन में खड़ा किए और फिर अच्छे से हो रहा है। अच्छा, तो आप जो लोग पैसा ले रहे हैं आप दूरी बना के ले रहे हैं? हाँ हाँ, निश्चित रूप से सभी लोग, आप देख सकते हैं सभी लोग हम लोगों की अपील को माने हैं, और सभी लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के और लाइन से पैसा ले रहे हैं। धन्यवाद। ये अपील किए थे आप सवेर में आए थे, जैसे इनको जानकारी मिला था कि लोग काफ़ी करीब आकर के सब एक इकट्ठा होकर के पैसा लेते हैं, तो इकट्ठा तो रहना है नहीं, ये जो कोरोना महामारी है इसमें दूरी बना के रखना है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बातें करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? जी अतुल सिंह नाम हुआ मेरा। अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप कोरोना के बारे में सबसे पहले? जी कोरोना के बारे में यही कहना चाहेंगे, लोग अभी बहुत लोग जागरूक नहीं हुए हैं सही से। लोग जैसे सुबह में जैसे हम आए थे तो बहुत यहाँ पे भीड़ थी, तो हम लोग खुद गांव के कुछ लोग जो यहाँ के चौकीदार हैं, चंद्रमणि भाई जी जो अभी कुछ देर पहले बोल के गए हैं, वो मुखिया जी, हम लोग सब मिलके खुद से बैरिकेटिंग किए हैं और सभी लोगों का समझाने का काम किए हैं। तो कोरोना से बचने का एक उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरा उपाय है लॉकडाउन, घर में रहें। जितना आप घर में रहेंगे, जो भी केवल ज़रूरत का जो काम है उसके लिए आप बाहर निकलिए। जैसे बैंक में आप आए थे पैसा निकालने के लिए, आप फिर देख सकते हैं बैरिकेटिंग भी किया गया है कि लोग इस बैरिकेटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे एक बनाया गया है कि दूरी पे रहना है, और आप वहाँ भी देख सकते हैं 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे ये बनाया गया है कि लोग इसे कितना दूरी पे खड़ा रहना है। कुछ लोग आप देख सकते हैं कि लोकल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, दूर दूर यहाँ से खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक लोग खड़े हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे निश्चित तौर पे पालन कर रहे हैं। हम जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर मैं आपसे मात्र 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उसके बारे में? जी सर देखिए, ये जनधन खाता है और पब्लिक सेवा ही है, और सरकार की योजना जितना भी है हम लोग मिलजुल कर एकदम धरती पर लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पब्लिक का भी सहयोग सराहनीय है, आप लोग मीडिया लोग का भी सराहनीय है। तो लोग जो यहाँ पे आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं एकदम, आप जैसा कि देख सकते हैं कैमरा में भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। सरकार की योजना को तो खैर रोड पर लाना हम लोग का काम ही है, यही सब लेके आप लोग का कृपा हम लोग कर रहे हैं पब्लिक का सेवा। तो पब्लिक को कुछ समस्या हो रही है? समस्या शुरुआत में तो होती ही है, क्योंकि लोग आदत बन चुका है सबका एक जगह भीड़ इकट्ठा होने का, धीरे धीरे सब फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पास पर्याप्त तो पैसा रहता है ग्राहक को देने के लिए? जी जो बैंक है हम लोग मुहैया कराती है पर्याप्त, जिसके कारण हम लोग सेवा दे पाते हैं।
ठीक है, तो ये बैंक के कर्मचारी थे, इनका कहना है कि सब कोई कस्टमर को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे भी इस बैंक में पर्याप्त रहते हैं, पैसा जितने भी कस्टमर आते हैं उनको समय से दे दिया जाता है। तो यहाँ पे और प्लस आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, यही कहना चाहेंगे जितने भी पब्लिक के खाते में अगर पैसा आ गया है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पैसा खाते में सेफ है। अच्छा। कोई आपका पैसा निकाल नहीं सकता है, आपके खाता में सरकार दिया है तो वो आप ही निकाल सकते हैं सिर्फ। ऐसा कुछ अफवाह था जी, ऐसा अफवाह उड़ाया गया कि मतलब आपके खाता में अगर सरकारी पैसा आया है आप निकाल लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक सरकार रिटर्न कर लेगी, जबकि ऐसा अफवाह है सिर्फ, इस पर गौर नहीं करना है, क्योंकि आपके खाता में अगर पैसा है सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। तो आपने सुना कर्मचारी का कहना था कि कुछ अफवाह भी हो गया है कि कुछ लोगों का, लोगों ने अफवाह फैलाया कि जिसके खाते में पैसे आया है अगर समय से नहीं निकाल लिया जाए तो पैसा फिर वापस चला जाएगा, ये एक अफवाह है। तो तमाम ग्राहक को इस अफवाह से बचना होगा, आपके अगर खाते में पैसा है तो आपके खाते में सुरक्षित रहेंगे, जब तक आप उस पैसा को नहीं निकालते हैं आपके पैसा सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ से पूरी तरह से ये CSP बिल्कुल काबिले तारीफ है, और तमाम यहाँ के कर्मचारी को मैं अपने चैनल की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन करा करके पैसा दे रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ में मुकेश कुमार, SBI न्यूज़, समस्तीपुर।